हम गोलू की मदद करने आ गए हैं। ये देखो इधर, स्माइल करो, बोलो लाइक करो, कमेंट करो, लाइक कर दो। तुमने मेरी वीडियो देखी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, क्या हालचाल है? आप सुबह में बहुत ही बढ़िया, होपफुली आप सब भी अच्छे होंगे। सुबह आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन से, और आज छठ पूजा का पहला दिन है, सो मैं ही सब्जी बना रहा हूँ। मम्मी लगी पड़ी हैं काम वाम करने में, छठ पूजा की तैयारी करने में। सो हमें बना लिया आज आलू की सब्जी। ये जो पूरा सामान है, ये आलू है, ये टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिया है, और सब्जी बनाते हैं और दिखाता हूँ आपको। सो गाइस लेट्स गो। सो गाइस सबसे पहले हम आलू छीलते हैं। सो गाइस हमने आलू छील लिए हैं, ये आलू बॉईल है। उसके बाद ये हमने टमाटर का पेस्ट बना लिया, इसमें कुछ मिर्च डाल के भी ग्राइंड कर देंगे इसे, और ये धनिया मिर्च और हल्दी और लहसुन प्याज का यूज़ नहीं कर सकते इसमें, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे हम। सो अब डालते हैं इसमें ऑयल और स्टार्ट कर दिया बनाना सब्जी। सो गाइस मम्मी और गोलू जा रही है छठ पूजा का सामान लेने के लिए, और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये नंगे पैर जाएंगे, मतलब ये छठ पूजा का सामान लेने भी जा रही है, तो उसमें भी चप्पल पहन के नहीं जा सकते, तो इस पूजा का आप महत्व देख सकते हो। सो गाइस हम तो बनाने में लगे हैं खाना, क्योंकि आज हमने सोचा कि मम्मी को रेस्ट दिया जाए थोड़ा, क्योंकि मम्मी फास्ट में है। सो हमारा मसाला तो तैयार होने वाला है, और ये मैंने आलू मैश कर लिया है, और अभी मसाला जब भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूंगा आलू और बनाएगा सब्जी। गाइस मसाला पूरा भुन चुका है, बैकग्राउंड साउंड आते हुए कबाड़ी वाले। तो गाइस मसाला भुन चुका है, अब इसमें डालेंगे हम हल्का सा पानी। तो गाइस ये है बॉयल आलू जो कि हमने मैश कर लिए हैं, इनको इसमें डाल दिया, उनको अच्छे से मिक्स कर दो। शिट, अब ये इसमें पूरे इसी तरह पानी ऐड करेंगे। सो गाइस मुझे कुकिंग पूरी आती है, सो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो भी मुझसे शादी करेगा वो कितना लकी होने वाला है। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सो गाइस सब्जी रेडी हो चुकी है पूरी खाने के लिए। सो अब करते हैं गैस बंद, हम गोलू की मदद करने आ गए हैं। गोलू की कॉल आई थी, बहुत ज़्यादा सामान हो गया था, गोलू की हेल्प करवाने आ गए हैं। देख लो गोलू ने पूरा सामान कैसे ले रखा है, और इसने चप लंगे पैर है। गाइस सारा सामान आ चुका है छठ पूजा का, अभी कुछ सामान बचा होगा जो बाकी रह रहा है, बाकी सारा सामान आ चुका है। सो गाइस हम जा रहे हैं फेस्ट्री, और वहाँ से दूध लेके आना है, क्योंकि जो खीर बनेगा उसके लिए दूध चाहिए। सो दूध लेने चल रहे हैं, मैं और गोलू स्कूटी से जा रहे हैं हम। सो लेट्स गो गाइस, चल गोलू पूरा डोलची ले लिया है, लेट्स गो। सो गाइस गोलू ट्राई कर रहा है स्कूटी चलाने की, चला तो ले वैसे चला लेते, लेकिन आज गोलू चला के ले जाएगा। चल अबे गाइस मेरे डैडी पहुंच चुके हैं, गोलू पीछे दूध ले रहा है, उसके बाद चलते हैं। और गाइस मुझे स्कूटी चला के आना पड़ा, क्योंकि वो चला नहीं रहा था, कह रहे थे मैं बिठा के नहीं चला पाऊंगा। सो लेते हैं दूध और फिर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस गोलू चलाने जा रहा है स्कूटी, बहुत हिम्मत करने के बाद। यार ये चला तो लेता है लेकिन ना प्रैक्टिस नहीं करे, तब तक कैसे चला पाएगा। मैं बैठ रहा हूँ आराम से, आराम से चलाइयो, जल्दी चला रोड पे। रोड पे तो क्या हुआ, लड़कियाँ भी चलाती है स्कूटी। मैं चला सीखा नहीं है तो क्या, सीखा नहीं है क्या, स्कूटी सीखना होता है, साइकिल चलानी नहीं आती। मम्मी लगी है खीर बनाने में, ये खरना की खीर है,
और ये सारा सामान सेट कर दें। ये किसने दिया? अच्छा, हम सामान लेने जा रहे हैं, सो मैंने सोचा फ़ोन लगा लिया जाए हेलमेट में। गाइस कोहरा देख सकते हो, पूरा भयंकर कोहरा कोहरा हो रखा है। सो गाइस हम लेने जा रहे हैं खोआ, जो कि छठ पूजा में पकवान वगैरह बनाने में यूज़ होगा। ये देखो गाइस, ये देख रहे हैं स्कूटी आ रही है, फिर भी जानबूझ के सब लगे रहते हैं कि हमें कब जेल भेज दें। सब रेडी रहते हैं गाइस, सब रेडी। ऐसे हमारी गली के बच्चे हैं, गली के तो नहीं, गली के तो सही बच्चे हैं, गली वाले भी देखते हैं व्लॉग गाइस। सो हमारी बगल वाली गली के ऐसे ही बच्चे हैं जो हमेशा रेडी रहते हैं कब हम स्कूटी बाइक के नीचे आ जाएं और इनको जेल भेज दें। सब प्लानिंग करते रहते हैं गाइस कि कौन आएगा बाइक के नीचे, कौन आएगा स्कूटी के नीचे। सो गाइस हम आ गए हैं गांव एरिया में, ये दिल्ली का गांव है घरौली। दिल्ली के वैसे बहुत से गांव हैं, ये भी एक गांव है घरौली। यहां से हम लेने आए हैं प्योर खोआ, जो कि मैं दोपहर में गया था तो उन्होंने बताया कि शाम में मिलेगा। डेरी एंड स्वीट्स कथूला। खोआ है भैया? खोआ एक किलो। सो गाइस लेट्स गो, हमने ले लिया है सामान और गोली लेके आ रहा है स्टिंग, और फिर निकलते हैं हम वापस घर के लिए। अभी मत पियो, जूठा हो जाएगा। सो गाइस आज तो मैं कैमरा लेकर सीधा अंदर ही घुस गया था, ना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से। सो गाइस अब आपसे घर जाके मिलता हूँ। गाइस देखो प्रसाद के लिए खीर रेडी हो गई है और अब बनाया जा रहा है ठेकुआ। मम्मी आटा गूंदने में लगी है। कुछ इस तरह की होती है खरना की पूजा, और कल छठ पूजा है तो उससे एक दिन पहले होती है। उस तरह से ही प्रसाद सजाया जाता है। ये सब बच्चे आए हैं प्रणाम करने। इधर देखो, इधर स्माइल करो, बोलो लाइक करो, कमेंट करो, लाइक कर दो। तुमने मेरे वीडियो देखी, तुमने भी कर देना, ठीक है, और सबको बताना अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है, ठीक है। सो गाइस देख सकते हैं कितने ध्यान से लगाए मूवी देखने में। कौन सी मूवी देख रहा है? कौन सी मूवी देख रहा है? और ये है, ये कह रहा है मुझे स्कूटी चलानी है रात में, ये चला गया, चला ले। वो मार दिया। सो गाइस वहां पे लड़ाई हुई। उश गो, उश मुझे ही ना काट ले। जा जॉनी जा।
काटेगा नहीं तो चलेगा। सो गाइस, अब टाइम हो रहा है 1 बज चुके हैं और इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और गाइस, कल का ब्लॉग देखना मत भूलना, कल छठ पूजा है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला होगा। सो कल और परसों दोनों दिन है छठ पूजा, कल इवनिंग वाला है, परसों है मॉर्निंग वाला। सो मिलता हूँ कल आपसे एक और बेहतरीन ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी गाइस, बाय। और हाँ गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ कैसी लगी वीडियो, अगर बुरी भी लगी है तो वो भी बताओ गाइस। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है।